जो रिवर्स है पीछे है। जितना आप, अब जितना आप जैसे मैं ये इसको राइट शिफ्ट करते जाऊंगा आया दिख रहा नहीं है, गियर शिफ्ट होते जाता है, है ना, गो शिफ्टिंग बड़ा हो जा रहा है। अरे जाने यार कोई सुनता नहीं, ये जितना आप नीचे नीचे जा रहे हो। अरे भूषण अभी ये सामने में बड़ा रिंग है, पीछे में छोटा रिंग है, जितना ये दिस इज द हार्डेस्ट गियर, जितना आप ये हार्डेस्ट गियर कॉम्बिनेशन है। अरे यार अभी इधर समझ में आया, ये जितना आप हार्ड और नीचे ले जाएंगे और हार्ड होता जाएगा। सो ऑन द रोड इट टेक्स जितना, अगर अभी आप ये गियर कॉम्बिनेशन कब यूज करेंगे, व्हेन द रोड इज फ्लैट, रोड इज फ्लैट, इट इज एब्सोल्युटली फ्लैट, यू गो ऑन दिस, बट दिस इज लो कैडेंस। ये कॉम्बिनेशन में अगर आपको साइकिल चलानी है यू नीड लॉट ऑफ लेग स्ट्रेंथ, जितना अगर आपको लेग स्ट्रेंथ नहीं है थोड़ा इजी इजी पे जाओ तो ऊपर इट विल कम, ऊपर लाओ इसको शिफ्ट करो, ये इजी होते जाता है, आई विल गेट मोर केडेंस, विल गेट मोर केडेंस, तो मोर केडेंस तो आपका हार्ट ज़्यादा काम करेगा, मसल कम काम करेगा। यू आर शिफ्टिंग योर लोड फ्रॉम your muscles towards your heart on easy gear, this is the easy gear, jitna aap easy jaote jaoge dekho cadence badhte jayega, cadence badhte jayega, cadence bole to kya rotations per minute rpm jaisa rpm 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 rotations per minute badhte jayenge, simple hai, road flat। aap jab cycling ko jate hain to ye gear combination pe warm up karne ka, ye easy gear pe जो आप पहले 5-10 किलोमीटर चलाते ना सिटी में, यूज अ इजी गियर कॉम्बिनेशन एंड डू लॉट ऑफ, और यू कैन इवन मेक इट इवन मोर इजियर, इसको सामने को शिफ्ट कर दो, डाउन शिफ्ट करो सामने में, और भी इजी हो गया, केडेंस बढ़ गया, है ना, ये देखो केडेंस ऐसे भी चला सकते हैं। व्हेन यू आर गोइंग ऑन फॉर ट्रेनिंग until you reach highway you do this, I do this, इसमें स्पीड की चिंता कुछ भी नहीं करने का, इसमें आप क्या यू आर वार्मिंग अप योर लेग्स फॉर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, है ना, तो ये वार्म अप है आपका 5-10 किलोमीटर ऐसा ऐसा, तो इट इज लाइक इट विल पूरा आपके मसल्स ये सब यहाँ पे पूरा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, दिमाग में भी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। यू काइंड ऑफ यू नो प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर डूइंग प्रॉपर ट्रेनिंग, ये आप जो 5-10 किलोमीटर जाते हैं हाईवे तक तो ऐसे जाने का, फिर अब जैसे सावनिया रोड पे आ गए आप, सावनिया रोड इज फ्लैट रोड, है ना, फ्लैट, तो ये कॉम्बिनेशन यू यूज द बिग रिंग ऑन द फ्रंट एंड देन यू यूज यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑन द बैक विच इज कम्फर्टेबल फॉर यू। हाँ, तो जितना आप हार्ड ये इजी गियर में चलाओगे तो आपको एक डिसेंट स्पीड मिलेगी, आपको हार्ड गियर चलाना जैसे मैं बोलता हूँ फास्ट चलाओ जो हम 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर फास्ट चलाने का है ना बीच में, तो यू यूज बिग रिंग इन द फ्रंट एंड ट्राई टू यूज अ स्मॉलर एंड स्मॉलर रिंग इन द रियर, तो जितना आप ये देखो केडेंस कम हो गया, देन आई हैव टू, और मेरे को अगर केडेंस बढ़ाना है तो आई हैव टू रियली वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, योर हार्ट रेट विल गो अप, केडेंस विल गो अप, एंड बिकॉज इट इज अ हार्ड गियर कॉम्बिनेशन, यू नो बिग रिंग इन द फ्रंट एंड द स्मॉल रिंग इन द बैक, द मोर स्मॉलर द रिंग इन द बैक द मोर स्पीड यू विल गोना गेट, बट उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा मसल्स को, सो दिस व्हाट इज दिस हैपनिंग, दिस इज बिल्डिंग अप स्ट्रेंथ हियर, यहाँ पे और हार्ट भी काम कर रहा है, तो आपका हार्ट रेट भी ऊपर जाएगा, इसीलिए कम देर में मैक्सिमम आउटबर्स एक्सप्लोजन, देन यू अगेन रेस्ट फॉर 3-5 किलोमीटर्स, फिर इजी फिर से अगेन 3 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स फास्ट, तो ये जब हम बार बार करते हैं ना तो हमारे जो मसल्स है उसमें स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है टू डू द हार्ड वर्क, एंड देन योर एवरेज स्पीड फॉर 50 एंड 100 किलोमीटर विल इम्प्रूव, इट इज हाउ इट इज डन।
फिर अभी जैसे हिल आ गया, अभी फ्लाईओवर आ गया है ना, सावने रोड का फ्लाईओवर आ गया समझ लो। अब सावने रोड का फ्लाईओवर आ गया तो आप बड़े रिंग में भी चला सकते हैं सामने में। यू कैन यूज द बिग रिंग, व्हाट यू डू इज शिफ्ट ऑन टू द रियर, बिग रिंग ऑन द रियर, तो ये आपका कैडेंस बढ़ गया तो आप फ्लाईओवर इस पे चढ़ा सकते हो, ठीक है। अब फ्लाईओवर में क्या हो रहा है कि जो कोई बिगिनर है उसको ये कॉम्बिनेशन पे भी बहुत तकलीफ हो रही फ्लाईओवर चढ़ाने के लिए, तो यू शिफ्ट डाउन शिफ्ट इन द फ्रंट ऑल्सो, छोटा रिंग पीछे में सामने में, बड़ा रिंग पीछे में। तो जितना बड़ा रिंग आप यूज़ करोगे उतना आपका केडेंस बढ़ेगा, ये केडेंस आपका जो रोटेशन पर मिनट बढ़ेगा और आप धीरे 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 ऊपर। हाँ, हाइब्रिड में तीन रहते तो आप सबसे जो थर्ड वाला है सबसे छोटा वो यूज़ कर सकते हैं एमटीवी में, ठीक है ना। फिर जैसे ही फ्लाईओवर ख़त्म हुआ आप इसको आप शिफ्ट करो, इसको हार्ड गियर पे डालो, यू गो फास्ट डाउन हिल। आप लोग क्या करते, वो फ्लाईओवर भी ख़त्म हो गया वो ऐसे ही चलाते रहते इजी गियर पे, तो कहाँ से स्पीड आएगी। ये करते हैं आप गलती, आप गायत्री और आपकी फ्रेंड है ना, तो वो ये है ना, तो यू डोंट हैव टू डू दिस। आप डाउन हिल पे भी ना आप लो गियर चलाते हो, डाउन हिल पे आपको हार्डेस्ट गियर चलाने की कोशिश करना है। ये कॉम्बिनेशन, बिग रिंग ऑन द फ्रंट एंड द स्मॉलेस्ट रिंग एट द रियर, इन द रियर, तो आप फास्ट जाओगे। फिर से फ्लाईओवर आया, फिर से आप ऊपर शिफ्ट करो इसको पीछे में, फिर से चढ़ाओ। फिर फ्लाईओवर का जो स्टीपेस्ट पार्ट है उस पर आप इसको छोटे रिंग पे शिफ्ट करो सामने में, तो चढ़ा दो। और जैसे ही फ्लाईओवर ख़त्म हुआ इसको शिफ्ट करो फिर से हार्ड गियर पे। ये गाड़ी के गियर बदलने जैसा है, फटाफट फटाफट हैबिट डेवलप हो जाएगी। हैबिट डेवलप करना है आपको, यू हैव टू यूज द राइट गियर कॉम्बिनेशन टू गेट द मैक्सिमम एवरेज स्पीड। आप लोगों को वो आप गियर कॉम्बिनेशन प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे उसकी वजह से स्पीड नहीं आ रहा एवरेज स्पीड। वो 22-23 जो है ना वो इजीली आप 25-26 कर सकते हैं, नॉट बाय डूइंग सम लॉट ऑफ ट्रेनिंग और जस्ट बाय यूजिंग प्रॉपर गियर कॉम्बिनेशन एंड गोइंग फास्ट ऑन डाउन हिल। स्लोप है सवाल ऐसा मेरा, हाँ हमारा डूंगन बहुत दुखता है उसको क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो आप साइकिल पर रहो, उसके लिए आपका प्रॉब्लम क्या है कि एक तो सीट हाइट आपका प्रॉपर नहीं है, वो एक हो सकता है। यू हैव टू वेयर गुड क्वालिटी साइकिलिंग शॉर्ट्स, वो एक प्रॉपर, और यू हैव टू हैव अ गुड क्वालिटी सैडल ऑल्सो। अब ये दिस इज अ हाई क्वालिटी सैडल, इसमें तो 10 घंटे भी बैठ सकते हैं, वो दिखता नहीं है ऐसा, पतला दिख रहा है, उसमें कुछ कुशन भी नहीं है, बट दिस इज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। और इसमें ये कटआउट है, तो ये कटआउट से क्या होता है कि आपके जो टेल बोन पे प्रेशर नहीं आता, ऊपर से आपके जो एक पेरिनियल नर्व होती है वो उस पर शियाटिक नर्व पे प्रेशर नहीं आता है, तो व्हाट हैपेंस इज ये रिलैक्स रहता है ये पूरा पूरी। आप 10 घंटे 12 घंटे भी बैठ सकते हैं इस पर वेरी कम्फर्टेबली without getting numb. ये सैडल ज़्यादा महंगा नहीं है, आई थिंक कुछ $100 का होगा, 110 7-8 हज़ार का है, ज़्यादा महंगा नहीं है। साइकिल के हिसाब से तो बराबर है, हम बैठे तो सिटी नहीं दिखती। पोस्चर अभी जैसे आप लोग अभी जैसे हिल भी चढ़, आप जैसे फ्लैट्स पे जा रहे हैं आप, तो फ्लैट्स पे आप ड्रॉप बार यूज़ करो, फ्लैट रोड है ड्रॉप बार यूज़ करो, ऐसे रहो, तो जितना आप ऐसे रहोगे उतने एरोडायनामिक रहोगे, जितने एरोडायनामिक रहोगे उतना एयर रेजिस्टेंस कम होगा, तो यू विल गो फास्ट। हाइब्रिड में फिर हाइब्रिड में आप ऐसे रख सकते हैं हाथ, अगर आपको आदत है तो रोड बाइक में भी रहो, सामने देखना कि नीचे देखना।
सामने सामने भी देखना है, नीचे भी देखना है। आप अगर एकदम ऐसे नीचे देखोगे ना तो यू विल बी मोस्ट एरोडायनामिक। तो आप देखो आयरन मैन में वो ऐसे ही बैठे रहते हैं 180 किलोमीटर, वो जस्ट सामने ऐसा देखता है रोड बस। तो ये अपन ने क्या करने का, अपन ने ड्रॉपर यूज करने का, जस्ट एवरी 5 to 10 seconds आप ऐसे कर सकते हो। फिर आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, अब जैसे हिल है, बहुत से लोग हिल भी वो बैठ के चढ़ाते हैं, आप खड़े हो जाओ साइकिल पे ऐसा ऐसा, और ये कर ऐसे ही हिल चढ़ जाओगे, हिल या फ्लाई ओवर और समथिंग। सर कभी कभी ये बहुत दिक्कत है, तू बता तो इधर हो रे, हाथ दुख रहा है, हाथ इधर वीडियो में दिख रहा ना, स्ट्रेंथ प्रॉब्लम है, स्ट्रेंथ प्रॉब्लम है, इसलिए पुशअप्स करने का है। इसीलिए जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं स्पेशली रोड बाइक पे, यू नीड लॉट ऑफ अपर बॉडी स्ट्रेंथ, ये स्ट्रांग रहना चाहिए, ये स्ट्रांग रहना चाहिए, जितना ये स्ट्रांग रहेगा उतना यहाँ से भी पावर ट्रांसफर होता है, ये गलत फ्रेंड नहीं है। This is also strong, the entire everything gets transferred into the pedal. बहुत से लोग अपने यहाँ पे ऐसे पैर ऐसे रख के चलाते हैं, ऐसे पेडल पे दूध वाले के जैसा, तो बाहर निकालते पैर, बाहर नहीं निकालना है, स्ट्रेट लाइन में, जितना आपका स्ट्रेट लाइन में रहेगा उतना वो पेडल के ऊपर सीधा स्ट्रेंथ पड़ेगी, उतना वो पावर ट्रांसफर सीधा होगा। नितिन भी पैर इधर करता है, आनंद इसका भी यही प्रॉब्लम है। तो पैर इधर उधर जाने से ना, एक तो क्या है, पावर ट्रांसफर नहीं हो रहा, सेकंड आपको इंजरी का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप जब ऐसे ऐसे पैर हो रहा है तो क्या है, लिगामेंट और ये जो यहाँ के लिगामेंट्स हैं, जो भी टेंडन्स है, वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, एंड अननेसेसरी वर्क। सो यू हैव टू ऑलवेज कीप दिस इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन में चलते रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। आपके पास घर में ट्रेनर है तो आप ऐसा फोकस ट्रेनिंग कर सकते हो, अरे पूरा दिमाग उस पे लगाओ। सर 100 किलोमीटर वगैरह मारो तो रिस्ट ट्रेन करता सर, कोई स्ट्रेंथ प्रॉब्लम, एंड सर हाथाला मुंगिया है पर आल्सो प्रॉब्लम विद ग्लव्स, हमेशा पहनना चाहिए ग्लव्स, और वो आपका जो साइकिल का जो ग्रिप है वो भी आप चेंज करके देख सकते हैं, अलग अलग साइज की, अलग शेप की यूज करो। हाथाला जी मुंगे थे ना, मतलब सर ये पैर रखते वो मेडल बार पे, ये जो है सर ये पैर जो है मेडल में रखना है, ये सामने वाला पोर्शन रखना है, ये वाला पोर्शन रखने का है, फ्रंट फुट वाला पोर्शन, ये यहाँ से पावर ट्रांसफर होगा। और बहुत से लोग और एक प्रॉब्लम है, आप लोग कैसे करते, थोड़ा चलाते फिर ऐसा छोड़ देते साइकिल, वो नहीं है ये, वो अपन कैजुअल साइकिलिंग नहीं कर रहे हैं। आप लगे तो एक, अगर आपको नहीं पता तो एक केयर आप इजी जाओ, पर पेडलिंग हमेशा कंटिन्यू होती रहना है, ये चलते रहना आपका। तो स्लोप को आप हार्ड गियर नहीं यूज कर रहे, यू आर नॉट गोइंग अप टू द हार्ड गियर, स्लोप जैसे ही आया तो आप उसको हार्ड गियर में लेके जाओ, कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, ये हार्ड गियर भी चलाता है हमेशा। क्या करते हो, हार्डली 30 seconds आदमी का वो हार्ट रेट ऊपर जाता है। सर एक थोड़ा सा फुरिश लगेगा आपको, लेकिन सवाल ऐसा है कि अगर इनकेस कोई बीच में घुस गया और आपका एक्सीडेंट हो रहा है ऐसा लगा, तो क्या एक्शन करना चाहिए, इमीडिएट एक्शन क्या होनी चाहिए, यानी गाड़ी छोड़ देना चाहिए या जंप करना चाहिए या फिर क्या? जंप तो नहीं करना चाहिए, आई कांट से क्या करना चाहिए, बेस्ट इज टू सिचुएशन, गाड़ी पास में तो आप धक्का मार के दूर भी हो सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, तो क्योंकि अपन अपने को बचाना चाहिए, गाड़ी को बचाना चाहिए, बेस्ट इज टू स्टॉप, जस्ट बचाना चाहिए, इमीडिएटली स्टॉप, ब्रेक मार के पैर नीचे डाल दो। और ये बहुत आपको लगता है कि पैर फंसे कैसा होगा, ये कुछ भी नहीं है, सब थोड़े दिनों बाद ऑटोमेटिक बॉडी करती है, इट हार्डली हैपेंस इन फ्रैक्शन। मुझे लगता है सर इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपन थोड़ा सा बीच में स्पीड बढ़ा के ब्रेक लगा के
उसकी भी प्रैक्टिस करना चाहिए। बीच में ऐसा हुआ था एक बार, एक बच्चा फट से घुस गया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप हमेशा प्रॉपर साइकिलिंग गियर में जाओ। साइकिलिंग गियर में क्या है, एक तो कपड़े आपके लूज नहीं रहते, तो कहीं फंसने का चांस नहीं है। फिर आप जितना टाइट पहनोगे उतने आप एरोडायनामिक रहोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग साइकिलिंग में एक वॉल्यूम। आपको अगर साइकिलिंग अच्छे करना है तो यू रियली हैव टू डू लॉट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम बेस्ड ट्रेनिंग रहता है। जैसे जो प्रोफेशनल जो अच्छा साइकिलिंग करते हैं वो 400-500 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। फिर उनके लिए रेस में 100 किलोमीटर चलाना इज़ वेरी इजी फॉर देम। इट इज़ वेरी इजी टू इवन लाइक इफ यू आर साइकिलिंग 500 किलोमीटर्स अ वीक, देन 100 किलोमीटर इज लाइक फॉर देम पीनट्स। दे विल जस्ट दे कैन डू इट रियली फास्ट। बहुत से लोग, मैं इसीलिए फास्ट क्यों चाहता हूँ, बिकॉज मेरे लिए वो 180 जो आयरन मैन में, फुल आयरन मैन में 180 इज लाइक a small distance in my mind. Why it became small distance? Because I did lot of long training. Did lot of rides above 200, 300, 9000, you know? So, so, sir, eclipse kab lena chahiye? So once you do that, then the distances automatically become small in your mind. And then you do little amount of speed training at right time before the race, then you can go really, really fast in the race. और आप हमेशा रेस रेडी नहीं रह सकते, आपको फेज वाइज आपका प्लानिंग करना पड़ता है। तो आप बराबर रेस के पहले आप रेस रेडी रहते हो। तो एक ये है, और देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अनदर इज लेग स्ट्रेंथ। आप जिम जाओ, अगर आप जिम करते हो दो दिन हफ्ते में, देन ड्रामेटिकली इम्प्रूव योर साइकिलिंग स्पीड, बिकॉज दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दिस बिग, योर बिग मसल्स putting all the power into that pedal. अगर ये आपका बहुत strong है, ये part, आपके glutes, ये सबसे important है running के लिए, cycling के लिए। आप hill चढ़ रहे हो, ये पूरा pressure इस पर आता है। आप running कर रहे हो, same. These are the biggest stabilizer as well as the most powerful muscles, your glutes and your thighs. इसको आप जितना strong बनाओगे उतना आपको हर चीज में फायदा है, साइकिलिंग में, रनिंग में, इवन स्विमिंग में। ये डिपेंड्स आपको क्या करने का है। अगर जो लोग वेट रिडक्शन कर रहे हैं उन्होंने हैवी ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, उन्होंने लाइट वेट करना चाहिए और ज़्यादा रिपीटेशन मारना चाहिए। जो अब जैसे प्रज्वल जैसे एथलीट है, तेजस, दे आर ऑलरेडी लीन, शुभम, दे कैन डू हैवी ट्रेनिंग। उनको तो वेट ऐड करना है बॉडी पे, यू नो, बिग मसल्स दे वो नीड। आप देखिए जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट, थाइज आर दिस बिग, बिकॉज दिस इज द इंजन, ये इंजन है आपका। क्लिट्स कब लेना पड़ेगा सर? कभी भी ले सकते हैं। साइकिलिंग करते समय क्या होता है कि मेरा पैर स्लिप हो जाता है थोड़ा सा, पर वो क्लिट्स पहने से वो डरे कि वो अगर इम्बैलेंस हो रहा तो फिर क्लिट नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में तो दो तीन बार गिरता ही आदमी, स्टार्टिंग में तो आप गिरोगे दो तीन बार, बट देन ऑटोमेटिकली दैट इज अ लर्निंग टू योर ब्रेन, देन ऑटोमेटिकली ये इससे स्पीड नहीं बढ़ता है, इससे पेडल कंट्रोल बढ़ता है। आपका जो पेडल कंट्रोल है ना, और आप एक अटैच हो जाते हो साइकिल से, तो यू आर साइकिल एंड यू आर वन मशीन देन, because cycling is a man and machine sport. You become one with your machine and then you na iske sath ek aapka relation ban jata hai. To wo cleat se fir ek dusra person ki hai bahut bada. Ha jab aap cleat use karte ho na, ha, you are more careful and more ha responsible road user, kyunki aapko pata hai ki samne kya anticipate karna hai. Thoda sa usko bhi important samjhaiye, helmet ka apne parso jo aata hai na, कुछ कुछ लोग हेलमेट नहीं पहनते, और एवरीबडी हैज टू वेयर हेलमेट ऑल द टाइम। बहुत से लोग बिना हेलमेट के आते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। तो एनी अदर, आई विल जस्ट रिपीट, ऑन बिग हिल, बहुत बड़ा हिल आ गया, इंक्लाइन आ गया, तो इजी गियर सामने में डाउन शिफ्ट करो, ऊपर में ऐसे करो और फास्ट चला, ये इसको फास्ट करो, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप ऊपर जाते हो। अगर आप हिल पे ऐसे ये इस पे पहुंच गए,
हिल पे तो बहुत मुश्किल है ऐसा चढ़ाना, ये कॉम्बिनेशन में बहुत से लोग ऐसा चढ़ाता रुक जाती गाड़ी ऐसा नहीं। यू हैव टू बी हिल पे भी, यू हैव टू बी हिल पे भी आप प्रॉपर चलाओ। लो गियर में सी इन हिल यू हैव टू बी इन कंट्रोल, ऐसा 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 ये ऐसे चलाने का हिल पे, हिल पे फ्लाईओवर पे। हाँ खड़े होके आप अगर मार रहे हैं तो आप गियर रेशो हार्ड रखो ये। लेकिन ऐसा खड़े होने में आवाज आता है साइकिल से, खड़े आना तो नहीं चाहिए। वो सर मेरे साइकिल की प्रॉब्लम है। हाँ 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 2.5 या 2.8 में सर ने एक पॉइंट बताया था परसों के दिन, हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है ये सबके लिए इसलिए जानकारी कि हेलमेट पहनने से जो पीछे आगे वाले लोग हैं उनको समझ